अरे आंटी गिर गए गिर गए। अरे बीवी का मकबरा कितना दूर है यहाँ से? हाँ बीवी का मकबरा कितना दूर है? वो जो ताजमहल बना ना छोटा ताजमहल, ताजमहल जो बना हुआ है, हाँ मेरे को 1 किलोमीटर इधर ऐसा बता रही है क्या सीधा? सीधा भी जा सकते हैं, सीधा जाने के बाद हाँ राइट लेने का, ओके और राइट लेने के बाद लेफ्ट और सीधे जाने का, ठीक थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो बीवी का मकबरा जाने के लिए कैसा है? ओके थैंक यू। बीवी का मकबरा औरंगाबाद, चलो चलो। अरे बीवी का मकबरा देखने चलो, जल्दी चलो। देखिए ताजमहल है दूसरा भी आगे, और बाकी का दिखा दो, जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं। बीवी का मकबरा देखने तो चलो, बाहरी से चल देंगे क्या, अंदर चलो। ये है बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा देखवा दे राशिद भाई, क्यों ऐसा करते हो? बीवी का मकबरा दिखा दो, ये वाला है। ये पानी का शायद से ना पूरा लोड आता था, पानी फोर्स में जाता था और सीधा वो फुव्वारे शायद से स्टार्ट हो जाते थे, आई थिंक सो, अगर मैं राइट हूं तो। ऊपर क्या देखते हैं अभी, इधर से आ जाओ। बीवी का मकबरा, मकबरा उनका देखो, ये उनका मकबरा है। अच्छा मस्त ऊपर का भी मस्त। एक बात बोलूंगी, बीवी से इतनी मोहब्बत क्यों करता हुआ लगा हमको? अच्छा औरंगजेब साहब अपने टाइम पे माशाल्लाह ये सब करते थे, इतनी मोहब्बत। चलो चलो देख लिया, मस्त मस्ती कर लिया, अभी घर पे चलते। आशिफ भाई कैसा लगा आपको यहाँ का ताजमहल? आशिफ भाई इधर आओ, कैसा लगा ताजमहल, ठीक ठाक है? और ये बादशाह ने इसको बनाया था अपनी बीवी के लिए और यहाँ का मकबरा बनाया था। मुझे पूरा हिस्ट्री तो नहीं पता, गूगल पे जरूर होगा, तो मैं आया था मेरे भांजे से मिलने,
तो मैं बोला चलो जीजा के साथ भी आज मस्ती कर लेते। तो आप अपनी बीवी के लिए बनाएंगे कि नहीं ऐसा ये बताइए। आप बता दीजिए, हंसती है नहीं, आप अपनी बीवी के लिए बनाएंगे कि नहीं इतना बड़ा? मैं अगर मेरे को ताकत मिली तो मैं पक्का बनाऊंगा, लेकिन मेरी बीवी अच्छी वाली बीवी के लिए जरूर जरूर बनाना। एक ही बीवी है, कोई गलत नहीं समझना, एक ही बीवी है, कोई टेंशन नहीं है। साथ आठ रही तो